हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा। आप देख रहे हैं पूजा स्टाइल कॉर्नर। आज जो है मैं आपके लिए एक खाली बॉटल का DIY लेकर के आई हूँ। तो आपके पास में कोई भी कांच की खाली बॉटल रखी हो तो इस टाइप से उसको एक्रेलिक पेंट से पेंट कर लीजिए। मैंने जो है पहले इसके ऊपर फर्स्ट कोडिंग की है, इसके बाद जो है इसको मैं सूखने के लिए रख दूँगी। जब ये बहुत अच्छे से सूख जाएगा तब जो है हम लोग इसके ऊपर एक और जो है लेयर कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी बॉटल जो है वो अच्छे से दिखेगी, फिर हम उसके ऊपर दूसरी पेंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं जो है इसके ऊपर इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाऊंगी, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, छोटे बड़े, जिस तरीके से एक टाइल होती है, जो टाइल्स आपने देखी हैं वो टूट जाने के बाद एक टुकड़े का शेप लेती हैं, बस वो ही शेप मैं यहाँ पर बनाऊँगी इस टाइप से। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी गेप में आपको छोटे बड़े पैटर्न बनाने हैं, जैसे जैसे आप बना सकते हैं वैसे। और आप एक्रेलिक कलर ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वाटर कलर जो है ग्लास की बॉटल पर नहीं हो पाता है। आप जो है इस तरीके की जो छोटे बड़े हमारे शेप्स हैं वो तभी बना स्टार्ट करें जब हमारी जो बॉटल है वो पूरी अच्छे तरीके से सूख जाए। उसका जो वाइट कलर है वो अच्छे से सूख जाना चाहिए, वरना जब आप इसके ऊपर बनाना स्टार्ट करेंगे कोई भी पेंटिंग तो वो जो वाइट कलर है आपके हाथ में आना लगेगा और जो है कलर भी उस तरीके से आपस में फैल जाएंगे। देखिए इस टाइप से मैंने पूरी बॉटल को अच्छे से छोटे बड़े पैटर्न्स बना लिए हैं। आप लोग बताइएगा कि ये किस टाइप के आपको लग रहे हैं। अब जो है मैं इसमें इसका क्या यूज़ है वो दिखाऊंगी आपको आगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में कॉमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा जो वीडियो है वो कैसा लगा। अभी जो है मैंने इसके अंदर पानी भर दिया है और पानी भरने के बाद इस तरीके से मैंने इसमें मनी प्लांट लगा दी है। और इसको आप कहीं भी रखिए, इंडोर लिविंग रूम में रखिए, कहीं भी आप टेबल पर रखिए, बहुत ही सुंदर लगेगा। इसी के साथ ही जो है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब जो है मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।